हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई? तो डांस करने वाले हैं। डांस नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो, ना तो बड़ा मार मारेंगे, बड़ा भाई नाते। समझ रहा है ना? तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्किप मत करना, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना, ठीक है? और इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं भाई, करने क्या वाले, यहां पे देख सकते हैं, क्लास टेंथ बिहार बोर्ड, ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए ये वीडियो है, ठीक है? तो क्लास टेंथ बिहार बोर्ड गोधूली भाग दो का संपूर्ण हिंदी हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर एक से लेकर के चैप्टर 12 तक जितने भी हमारे पास चैप्टर है उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चैप्टर बाय चैप्टर एकदम रापची के स्टाइल में समझने वाले हैं। तो आराम से पलथी मारो, कान में ईयरफोन ठूसो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत ठूसो और पढ़ाई करो। नहीं करोगे तो समझ जाना कि मम्मी पापा तो पिटबो करेंगे, हम ही पीट देंगे मोबाइल में घुस के। समझ रहा है ना? मोबाइल में तो ही है, मोबाइल में से बाहर निकल करके, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, जो चैप्टर एक से लेकर के चैप्टर 12 तक जो आप देख रहे हैं, इन सभी चैप्टर के लेखक के नाम याद करना हम सीखेंगे सबसे पहले एकदम ट्रिक से। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, तो इसके लेखक का याद हम एकदम ट्रिक से याद करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम, श्रम यानी काम, सबसे काम करने में आगे कौन रहता है? देखिए पांचों पांडव में से भीम जो था, महाभारत देखे है ना, भीम कोनो काम करने में आगे था, मारो पीट करने में फोड़ देंगे, गद्दा लेके पीट देंगे, समझ रहे ना? तो श्रम करने में सबसे आगे था भीम, और भीम से रिलेट कर देना भीमराव अंबेडकर, तो क्या हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, और इसके लेखक क्या है, भीमराव अंबेडकर। ट्रेक से निकाल लिया, श्रम करने में सबसे आगे कौन, भीम, और भीम से रिलेट कर देना भीमराव अंबेडकर। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दो नहीं, चैप्टर दो, विष के दांत। अब विष के दांत है, विष के दांत मतलब जहरीला दांत। अब जहरीला दांत वाला सब जानवर जो होता है, पशु सब, जो भी जहरीला दांत वाला सब, वो सब कहां रहता है, नाला के अंदर। बिच्छू सब कहां रहता है, नाला के अंदर। चींटी सब कहां रहता है, नाला के अंदर। तो विष दांत मतलब जहरीला दांत, और जहरीला दांत वाला सब कहां रहता है, नाला के अंदर। और नाला के अंदर मतलब नाला को रिलेट करता है नलिन लोचन शर्मा। तो देखिए नलिन लोचन शर्मा, ये आ गया विष के दांत, ये क्या है कहानी, और इसके लेखक कौन है, नलिन लोचन शर्मा। तो आपने ट्रिक से निकाल दिया, कौन दिक्कत नहीं, दिक्कत अब है तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। अरे भारत से हम क्या सीखे, मैक्सिमम बात तो हम भारत से सीखे, है ना? विदेशी लोग सब आकर के अभी भारत से सीख के जाता है, तो मैक्सिमम बात हम भारत से सीखे। मैक्सिमम को रिलेट कर देना मैक्स मूलर से, क्या हो जाएंगे, मैक्स मूलर, ठीक है? आगे अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हेलो ठीक है, नाखून क्यों दिख रहा है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अरे नाखून आज ही से बढ़ रहा है, हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है, अभी का है पूछ रहा है हमरा से, रे नाखून काहे बढ़ते हैं, कहता है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून आज से बढ़ रहा है, हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है, तो पहले पूछ लेना चाहिए, आज क्यों पूछ रहा है हमसे, हजारों वर्ष पहले से। हजार को रिलेट कर देना हजारी प्रसाद द्विवेदी, लो भैया ओम्फो। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी का अगर आपको नोट्स लेना है, नोट्स अगर लेना है पूरा संपूर्ण हिंदी का, तो देखो भाई ये जो बच्चा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए उनको तो मिल जाएगा, ठीक है? और जो बच्चा नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी मैं इसको फ्री कर दूंगा, आप लोग गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com और वहां पे जा करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं पीडीएफ का लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर नहीं डाला रहेगा तो वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे होम पेज पे मैं डाल दूंगा, थंबनेल जो देख रहे हैं वही थंबनेल रहेगा, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो चले अब शुरू करें, चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़े भाई। अगला हो गया पांचवा क्या कहते हैं, नागरी लिपि का क्या होगा, है ना? तो गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि का क्या होगा भाई, तो गुणाकर मूल्य होगा, ठीक है? बहादुर है, बहादुर कौन होते, बहादुर लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। जो लोग सब जो बहादुर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अगर कोई पूछेगा कि बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, और अमर से रिलेट कर देना अमरकांत, सिंपल। तो कहेगा कि बहादुर,
अरे बहादुर लोग तो अमर हो जाते हैं, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये सब बहादुर है, या सुभाष चंद्र बोस बहादुर है, ये सब अमर हो गए। ठीक है, तो बहादुर लोग क्या थे, अमर हो जाते हैं। अमर को रिलेट कर देना अमरकांत से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सातवा, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा, परंपरा आज से चल रहा है रे, परंपरा तो रामे जी के समय से चल रहा है, परंपरा आज से नहीं ना चल रहा है, रामे जी के समय से चल रहा है। और इसको रिलेट कर देना राम विलास शर्मा, ठीक है, राम से रिलेट कर देना राम विलास शर्मा। तो ये आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं सातवां, जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं। देखो एक बार जीत लिया राजा, आज जो बार बार जीतता है महाराजा, और महाराज को रिलेट कर देना पंडित बिरजू महाराज से, सिंपल। जो जीतता है वो राजा, जो बार बार जीतता है महाराजा, और महाराजा को रिलेट कर देना पंडित बिरजू महाराज से, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हवर्ड खुजली परेशानी नहीं ना। अरे अभी तो बहुत लंबा क्लास चलेगा, अभी ये हवर्ड खुजली हो रहा है, तो जल्दी से लगा लो दवाई वाई सब, समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं अविन्नो, अ से अविन्नो, अ से अशोक, असे अविन्नो असे अशोक वाजपेयी, ये आपने देख लिया, ठीक है, असे अविन्नो असे अशोक, है ना, और अशोक के पूरा नाम लिख देना अशोक वाजपेयी, क्लियर, ये आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है मछली, मछली सुखल मछली, देखो अगर आपसे कहे मछली, अच्छा सूखा हुआ मछली हम खाए हुए हैं, देखिए महाराष्ट्र से में जाइएगा तो सूखा हुआ मछली सब मिलता है, ताजा मछली नहीं मिलता है, सुखा देता है और तब देता है मछली, सुखल, सुखल से रिलेट कर देना क्या भाई, तो विनोद कुमार शुक्ल से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, तो खाना, तो जब हम खाना जैसे होटल वगैरह में खाना खा लेते हैं तो क्या मिलता है, सूप मिश्री मिलता है कि ना, मिश्री मिलता है, मिश्री को रिलेट कर देना मिश्र से, तो मिश्र किसके नाम के पीछे लगता है, तो यतीन्द्र मिश्र, ट्रिक से निकल जाएगा, सिंपल। अच्छा नौबत खाने में इबादत, खाना खाते हैं तो सूप मिश्री तो खैबे करते हैं, है ना, मिश्री, मिश्री से रिलेट कर देना यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यह आपने देख लिया। शिक्षा और संस्कृति के लेखक क्या होते हैं, तो महात्मा गांधी, ये याद कर लेना, इसमें कोई ट्रिक मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं भाई चैप्टर बाय चैप्टर, चलिए शुरू करते हैं। लो भैया पहला चैप्टर आ गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और ये क्या है, निबंध है, तो इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो लेखक है इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है, इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और कहां हुआ था, तो महू, महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में, महू गांव के, क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू गांव कह सकते हो, उसके दलित परिवार में हुआ था। ये क्या थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डोम थे, क्या थे, डोम थे, ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते, उन्होंने उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए उच्च शिक्षा। अगर कोई पूछे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त किए, तो आप कहें अमेरिका और लंदन से प्राप्त हुए, या फिर यूं कह सकते हो तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अगर आपसे कोई पूछे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस पाठ से लिया गया था, तो आप कहेंगे बाबा साहब का एक प्रसिद्ध है, फेमस है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनसे लिया गया था। तो देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वो भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध, अगर कोई पूछे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है वो किससे लिया गया था, तो आप कहना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फेमस भाषण, यानी प्रसिद्ध भाषण, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, इनसे लिया गया था, ये आपने देख लिया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, अगर आपसे कोई पूछे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो आप कहेंगे ललय सिंह यादव ने किया, है ना, ललय सिंह यादव ने किया था, ओके। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1956 में हो गई, है ना, 1956 में दिल्ली में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कहां हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में हो गया। हाँ प्रभु, आपने देख लिया। आगे, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति, मतलब उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति है, कौन कौन है, तो भगवान बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले है। मतलब इनकी विचार से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे, है ना, इनकी विचार पे ये चलते थे। कौन, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना रे, है ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, यह पूछा जा रहा है। अरे क्या बात करते, डांस कराएगा क्या। उत्तर है, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। ठीक है, आधुनिक युग मतलब मॉडर्न जमाना, हम लोग अभी आधुनिक युग में हैं। ठीक है, तो इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद को समर्थक करने वाले लोग की कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक जो होते हैं, समर्थक होते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, कार्य के लिए। जैसे कि मान लो कि कोई हजाम है तो कहेगा बाल काटो, कोई यादव है दूध बेचो, है ना, मतलब कोई लोहार है तो भाई वो क्या करेगा, लोहे का काम करेगा, बढ़ई लकड़ी का काम करेगा, है ना। मतलब ये कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक ये लोग मानते हैं, जातिवाद के पोषक, है ना, आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जैसे मैंने समझाया कि भाई जो ग्वाला है वो दूध बेचेगा, जो बढ़ा ये लकड़ी का काम करेगा, तो वही चीज यहां पे लिखा है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कौन कहते हैं, तो जातिवाद के पोषक, है ना, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर तीन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, है ना, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या, गिर रहे हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, क्या क्या आपत्तियां जताते हैं वो आप यहां पे देख लो। लेखक मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कौन आपत्तियां जताते हैं वो देखो यहां पे। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है, पहली आपत्ति मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। सिंपल, श्रम यानी काम के विभाजन के साथ साथ क्या करता है, लोगों का भी विभाजन कर देता है, लोगों को भी बांट देता है कि नहीं, तो विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। सभ्य समाज के लिए कार्य विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन भी सही नहीं है, पहली आपत्ति यह है, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आपत्ति यह जताते हैं पहली। ठीक है, यह आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच, यह क्या कहता है, पांच है ये, पहले क्या था, तीन था, लगता छूट गया है, चार छूट गया क्या, लगता है छूट गया है पेज से, अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, यहां कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर मैंने लिखा कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो, है ना, लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, यानी उनके बापा दादा क्या किए वही काम करने पे लग जाते हैं, है ना, तो अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। हमारा मन है, मान लो कि जैसे अब हम यादव है, ठीक है, हमारे पूर्वज दूध बेचना है, तो क्या हम दूधे बेचते रह जाते हैं, हम तो अभी पढ़ा रहे हैं,
है ना, तो ये कारण जो है ना इसके, अगर मान लो कि हमारे अंदर पढ़ाने का तरीका है ठीक है, हमारा दूध बेचने ही नहीं आता है ना, भैंस का दूध निकालने ही नहीं आता है, तो वहां पे हम बेरोजगार हो गए ना, कोई रोजगार नहीं है, है ना, इसमें स्किल है ना, तो इच्छा के हिसाब से हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पे देखिए अभी भी है, चमार है तो चप्पल जूता का काम करेगा, है कि नहीं, वो चप्पल सिएगा जूता सिएगा, है ना, बुरा मत मानना है, अभी जो चलता है ना, ग्वाला है तो खाली दूध बेचेगा, है ना, बढ़ई है तो खाली लकड़ी का काम करेगा, है ना, मतलब इच्छा के हिसाब से नहीं करने देते हैं, कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या गरीबी जो होता है ना, वो क्या क्या नहीं दिखा देती है, लेकिन यहां लेखक यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कुछ थॉट यहां पे कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। उत्तर यहां पर लिखा मैंने कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको? जाति प्रथा को मानते हैं, है ना, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है, है ना, हमारा चुनने का मन कोई और है, चले गए कुछ और में, है ना, तो यह दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा का रूप दिया दिखाया है। प्यारे बच्चों पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोल देता हूं, आपको मिल जाएंगे, pankajstudycenter.com पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, है ना, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है, ठीक है, इसको आवश्यक माने हैं यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हेलो हेलो, चलो अब हमारे पास दूसरा अध्याय आ गया, 20 के दांत यानी जहरीला दांत, और कहां रहते हैं ये सब 20 वाले दांत, सब जहरीला जहरीला दांत वाले, नली मतलब नाला के अंदर, और नाला को रिलेट करते हैं नलिन लोचन शर्मा, तो इस पाठ के लेखक है नलिन लोचन शर्मा, तो लेखक के बारे में ही जान लेते हैं। देखिए इस पाठ के लेखक ननिल विलोचन शर्मा है और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहां हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है। लेखक की प्रमुख रचनाएं क्या है, मतलब नलिन विलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है वो आपको बताना है। तो दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास है, दर्शन है, महान दंड है ना, प्रेमचंद्र है, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि, ठीक है, इत्यादि है, ये आपने देख लिया। अगला है यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां, है ना, देखो कहता यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब किस ग्रंथ से लिया गया है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस ग्रंथ से लिया गया है, देखो 20 के दांत कहानी जो है वो अन्य कहानी नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन है? तो अन्य कहानी नामक ग्रंथ से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेन साहब की एक, अरे सेंस, अच्छा अच्छा अब नेक्स्ट है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। सेन साहब की एक काले रंग की क्या है, 7500 रुपए की क्या है, कार थी सेन साहब के पास, क्या था इसमें पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो पॉइंट हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेन साहब की एक काले रंग की क्या थी, कार थी, वो कितने की कार थी, 7500 रुपए की
कार थी, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे कहता है सेन साहब, देखो यहां पे सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे, सेन साहब अपनी पुत्री को कठपुतली समझते, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसको है आज खाना नहीं खाना है, बंडोल भी से खाने नहीं खाती थी, है ना, आज कहीं नहीं जाना है वैसे भी नहीं जाती थी, तो इसलिए वो कठपुतली समझते हैं। सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या समझते थे, कठपुतली समझते थे, और अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते, ज्यादातर इंजीनियर का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट गिरधर लाल जो मदन का पिता है, पहला पॉइंट नोट कर रहे हैं, गिरधर लाल किसका पिता है, मदन का पिता है ना, गिरधर लाल किसका पिता है, तो मदन का पिता, इस बात को ध्यान रखना। तो गिरधर लाल जो मदन का पिता है और सेन साहब का किरानी था, है ना, गिरधर लाल अगर कोई पूछे कि सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी कौन था, तो आप कहेंगे गिरधर लाल। गिरधर लाल के बेटे का नाम क्या था, तो मदन था, ठीक है, किरानी कौन था, तो कहेंगे गिरधर लाल। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है भैया, ठीक है, ये आपने समझ लिया। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, मदन क्या कर रहा था, लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। किससे लड़ाई हो गई, कासू से उसकी लड़ाई हो गई और मदन ने कासू या खोखा, कासू खोखा दोनों एक ही नाम है, इस बात को ध्यान रखना, कासू या खोखा दोनों एक ही नाम है, और इसके कितने दांत तोड़ डाले, दो दांत तोड़ डाले। कासू या खोखा किसका बेटा है ना, मालिक का। मालिक का क्या नाम है, कमेंट करो, अभी ना पढ़ रहे थे सेन साहब, ठीक है, वह मालिक है, ठीक। कासू और खोखा किसका बेटा है, सेन साहब की, और सेन साहब के बेटे के कितने दांत तोड़ डाले, दो दांत तोड़ डाले। कौन तोड़ डाले, मदन ने, लट्टू घुमाने के खेल में जब घुमा रहा था तो ये कहा हमरो खेलने दे, नहीं खेलने दिया, मारा एक के फट जो ससुरा बाक, दूध को दांत निकालिए दिया, ठीक है, तो दो दांत तोड़ डाले। ओके, कासू जो है वो सेन साहब के बुढ़ापे का आंख का क्या है, तारा है। कासू क्या है, सेन साहब के बुढ़ापे का आंख का तारा है, ठीक है। सेन साहब ने मदन को कहा था कि, सेन साहब ने, देखिएगा, सेन साहब ने मदन को कहा, मदन किसका बेटा, गिरधर लाल का, ठीक है, यानी गिरधर लाल के बेटे को कहा, ठीक है। तो मदन, सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं, देख रहे हैं, मतलब अपना बेटा कार को तोड़ दिया है ना, हेडलाइट फोड़ दिया, तो देख रहे हैं अब ये से इंजीनियर का लक्षण है। आ देखिए बेचारा इनको कनका इधर उधर गली में खेल रहा था, कहता ऐसे ही लड़के चोर उचक्के होते हैं, देख रहे हैं। तो सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं, है ना, और महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले की ही जीत होती है। सिंपल सी बात, महल और झोपड़ी, मतलब महल झोपड़ी का मतलब, लेखक का कहने का मतलब यह है, जब अमीर और गरीब में लड़ाई होती है तो अधिकतर गरीब को दोषी ठहराया जाता है और अमीर पैसों की बदौलत है भाई सब उसके पक्ष में आ जाता है, ठीक है। तो वही बात है, वास्तव में महल झोपड़ी क्या है, महल वाला अमीर आदमी और झोपड़ी वाला गरीब आदमी, इन दोनों के बीच बताया गया है। तो वही महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले की ही जीत होती है, ठीक है। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी के बीच है, महल वाले और झोपड़ी, महल वाले कौन है, सेन साहब, और झोपड़ी वाले कौन है, तो गिरधर लाल, मतलब मदन के पिता, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं, घर के सभी मामलों में कौन अपवाद था, कासू यानी खोखा, घर के सभी मामलों में जो खोखा था ये गधा था। क्या था, गधा था, सब मामले में अपवाद था, केकरों ऊपर लपक जाता था, है ना, सोफरों के कालर धर के पकड़, सोफर किसको, ड्राइवर को बोलते हैं, ओकरों कालर पकड़ने लगता था, है ना, मतलब बड़ा बदतमीज था, लार प्यार से इकलौता बेटा, पांच बेटियां एक बेटा था सेन साहब की, उसमें वो इकलौता बेटा, तो रंग तो दिखेबे करेगा, है ना, बड़ा प्यारा रहता है ना, लार प्यार से बिगाड़ देता है, वही सेन साहब ने बिगाड़ रखा था, है ना, हम रहते तो हो के थूर देते हैं। समझ रहा है ना, कोई बात नहीं, हम रहते धा के थूर दे, मदन थूर में किया कि दूगो दांत तोड़िए दिया था, है ना। कासू अपवाद था,
तो सेन साहब की पांच पुत्रियां थी, कितने पांच पुत्रियां थी, जिनका नाम सीमा रजनी आलो, सीमा रजनी आलो, इलाजो लिखा गया, टाइपिंग में मिस्टेक है, सीमा रजनी आलो, शेफाली एवं आरती, ठीक है, ये पांच पुत्रियां थी और एक पुत्र था, है ना, जिसका नाम कासु, जिसे खोका कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो पांच, और पुत्र कितने थे, एक, यानी टोटल संतान कितने थे, तो छह, ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन है। देखिए, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए गए जा रहे लिंग आधारित, लिंग मतलब लड़की और लड़का के डिपेंड में, है ना, समझ रहे हैं ना, तो वही बात है, लिंग आधारित भेदभाव, मतलब कि लड़का और लड़की में भेदभाव, है ना, भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन है। तो यहां पे मैंने उत्तर क्या लिखा कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, लिंग के अनुसार मतलब बेटा बेटी में काफी ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था, है ना। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए थे कि किस समय हंसना है, किस समय पढ़ना है, है ना, मतलब लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग, समझ रहे हैं ना, बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासु के लिए अलग नियम थे, ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, यहां पूछा जा रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो उत्तर मैंने लिखा कि सेन साहब का बेटा कासु घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था, है ना, और वह मतलब उसके जो भी नियम था वो नियम का पालन नहीं करता था, है ना, सब नियम पे वो अपवाद था, है ना, ओकरा लेल कोई नियम है तोड़ देता था जो बात, है ना, तो अपवाद था, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी, ठीक है। तो एक बार बोलिए प्रेम से सिया राम चंद्र भगवान की जय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय, पानी पी लेते हैं, पानी अब ठंडा हो गया रे, गरम गरम ढार लेते हैं, कनका पी लेते हैं तब ना मजा आएगा, बड़ा मजा आ रहा है गरम गरम पानी पीने में, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या कहता है, सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। उत्तर मैंने लिखा, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक चार क्या कहता है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बनाना चाहता है, कहता है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ये पूछा रहा है ना। उत्तर मैंने लिखा कि मदन और ड्राइवर के बीच, ड्राइवर किसको बोलते हैं, सोफर को बोलते हैं, ठीक है, यानी मदन और सोफर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी फटके, मतलब इधर आसपास भी भटके, ठीक है, ये आपने समझ लिया। प्रश्न क्रमांक पांच कहता है, कासु और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था, कासु और मदन के बीच, है ना, कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। उत्तर मैंने लिखा कि कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का था, है ना, कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, लट्टू घुमाने का खेल था,
इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अमीर गरीब में लड़ाई हो महल वाला झोपड़ी वाले में, तो झोपड़ी वाले को कम मत समझना महल वाले, ठीक है, वो भी अपमान का बदला ले सकता है, चाहे गर्दन काट के ले, चाहे चाकू भोंक के ले, समझ रहा है ना, चाहे दांत तोड़ के ले, इसमें दांत तोड़ करके बदला लिया गया था, ठीक है, अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर लिया। चाकू को नहीं भोंकना, ठीक है, वो गलती से बोला गया है, गर्दन नहीं काटने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है, मतलब हीरो कौन है, आपकी दृष्टि के अनुसार या आपकी दृष्टि से विष के दांत कहानी का नायक कौन है, हीरो कौन है, लोग तर्कपूर्ण उत्तर दे, है ना। तो उत्तर मैंने लिखा कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक यानी हीरो जो है वो मदन है। क्या है? मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है। सेन साहब यानी कहता है सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर यानी उसके सोफर से लड़ जाता है और उसके बेटे के दो दांत भी तोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सातवां है, कासू का चरित्र चित्रण करें यहां पे लिखा गया। तो उत्तर मैंने लिखा कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंख का तारा था, सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था, घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। ठीक है, यह आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए, सेन साहब का क्या कहता है, चरित्र चित्रण कीजिए, यह आपसे कहा जा रहा है, है ना। उत्तर मैंने लिखा कि सेन साहब विष के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब क्या है, विष के दांत के कहानी का एक पात्र है, है ना, ओके, पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है, सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है, वे अपने बच्चे के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं, वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। ठीक है, यह आपने देख लिया। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहते हैं, मदन का चरित्र चित्रण करें। उत्तर मैंने लिखा कि मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है। मदन क्या है, विष के दांत कहानी का एक पात्र है, या इस कहानी का नायक है, या इस कहानी का क्या है, नायक है, मतलब हीरो है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर यानी सोफर का विरोध करता है, एवं जब कासू इसके साथ है ना गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके दो दांत तोड़ देता है। यह आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मदन के पिता कौन थे, गिरधर लाल, उनका चरित्र चित्रण करके बताना है। उत्तर मैंने लिखा कि गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक पात्र है। गिरधर लाल क्या है, विष के दांत कहानी का एक पात्र है, यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। यह आपने देख लिया। कौन दिक्कत नहीं, ना दिक्कत, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा अध्याय क्या है, भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, भाषण है। तो भारत से हम मैक्सिमम बात सीखें और मैक्सिमम को रिलेट कर देना मैक्स मुलर से, ठीक है, यानी इसके लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहां पे उत्तर मैंने लिखा यानी मैक्स मुलर के बारे में मैंने लिखा कि इस पाठ के लेखक क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जी का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, है ना, और इनका जन्म जो है 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, ओके। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। क्या था, विल्हेल्म मुलर था, यानी इसके पिता का नाम मैक्स मुलर के। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उसके पिता का निधन हो गया।
मैक्स मुलर के पिता का निधन कब हो गया? जब वो 4 वर्ष के थे तब, है ना, निधन हो गया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत, देखिए मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई मेघदूत और हितोपदेश किस भाषा में था, जर्मनी भाषा में था, तो इसको अनुवाद किस भाषा में, कि जर्मनी भाषा में, सॉरी हिंदी भाषा से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनका निधन यानी मैक्स मुलर का निधन कब हो गया, तो 28 अक्टूबर सन 1900 को हुआ था, ठीक है। और इस भाषण के अनुवाद, यानी इस भाषण बोले तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण के अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। कौन किए? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, इस भाषण मतलब क्या हुआ, कौन है भाषण, भाषण ये भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। इस भाषण में मैक्स मुलर, यानी भारत से हम क्या सीखे, इसमें मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है, सबसे अच्छा देश बताया है, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन ग्राम में होता है, ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांत कहा था। देखिए मैक्स मुलर ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा, वेदांतियों का भी वेदांत कहा था, ठीक है। रानी विक्टोरिया, क्या कहते हैं, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को क्या दिए थे, नाइट की उपाधि दिए थे, इस बात को ध्यान रखना, है ना। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी, तो रानी विक्टोरिया ने दी, किसने दी, रानी विक्टोरिया ने दी थी। लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे एक्सेप्ट नहीं किए वो, है ना, वे स्वीकारे नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये कहता है, समस्त भूमंडल में सर्विद, समस्त भूमंडल में, है ना, पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, यानी समस्त भूमंडल, जहां जमीन धरातल जहां तक जाए, है ना, उन सभी जगह, तो समस्त भूमंडल में सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, है ना, मतलब पूरे पृथ्वी में सबसे, है ना, सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो उत्तर ने, उत्तर मैंने लिखा कि लेखक ने भारत को सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है, और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है, ठीक है। यहां की नदियां, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्लियर, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों, लेखक की दृष्टि में यह आपसे पूछा जा रहा है कि सच्चे भारत की दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों, गांव में होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उत्तर ने लिखा कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में, मतलब गांव वाले इलाकों में, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही निहित होती है, ठीक है, यह आपने देख लिया। हेलो, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, कहता है धर्म से, है ना, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर मैंने लिखा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, यहां विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, है ना, यहूदी इत्यादि आपस में मिलकर जुलकर रहते हैं, मिलजुल कर क्या करते हैं, रहते हैं, विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, यह आपने देख लिया। चौथा,
भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है स्पष्ट करें। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है स्पष्ट करें, है ना। उत्तर मैंने लिखा कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास, है ना, विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थक जाते हैं तो पी लेना चाहिए, है ना। और सब बढ़िया, ठीक है ना। देख के प्यास ना लग रहा है? हालांकि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, मजबूरी है पीते हैं, है ना, यहां से कहां भटक जाए। नेक्स्ट चलिए, चौथा अध्याय क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून आज से बढ़ रहा है, आए? नाखून क्यों बढ़ते हैं जल्दी से बताइए। अरे भाई, ये हजारों वर्ष पहले से बढ़ रहा है ना। अच्छा चलिए, हम क्या करते हैं भाई, तो इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इस पाठ के लेखक का जन्म जो है सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका निधन जो है 1979 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। हमारा यहाँ पे पानी जो पी लेते हैं ना, मतलब भर पेट खाना खा लेते हैं, थोड़ा बहुत दर्द करने लगता है, लेकिन हम ये क्या बताने लगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, अशोक के फूल, पृथ्वीराज, रासो विचार और वृतक, है ना, आलोक वर्ष, आलोक पर्व, है ना, वान भट्ट, वान भट्ट की आत्मकथा, ये दोनों, ये सब एक हुए, ठीक है। मतलब कौन कौन है, देखिए, पृथ्वीराज, रासो विचार और वितर्क, है ना, उसके बाद आलोक पर्व, उसके बाद क्या है, वान भट्ट की आत्मकथा, देन उनके बाद यहां पे कहता है हिंदी साहित्य का आदिकाल में, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, विश्व भारती, शांति निकेतन इत्यादि, ठीक है। विश्व भारती को ही शांति निकेतन कहते हैं, ठीक है। सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते हैं। लेखक की एक बेटी भी थी, है ना, यानी इस पाठ के जो लेखक, उनकी एक बेटी भी थी। इंद्र का वज्र दल, क्या है, दधीची, है ना, दधीची मुनि के हड्डी से बना था, है ना। आर्यों ने लोहा का आविष्कार किया था, इस बात को ध्यान रखना। तो ये लेखक परिचय थे कुछ, है ना। अब आगे क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की, लेखक के आगे कैसी उपस्थित हुआ, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। ओके, ये आपने देख लिया। कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, या लेखक के आगे प्रश्न जो है ये कैसे आया मन में। तो यही बात लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी जो पुत्री थी, है ना, पुत्री थी, उस पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून जो बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ते नाखून जो है वो प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो उत्तर है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, ठीक है, यह आपने देख लिया। नेक्स्ट चलो, तीसरा प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाने कहां तक संगत है, यह आपसे पूछा जा रहा है। हम नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाते रहते, देखिए उत्तर मैंने लिखा कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना
काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। क्लियर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य, हम सब जानते हैं कि नाखून बढ़ जाता है, हम अपन काट लेते हैं, गंदगी उंदगी पिस जाता है ना। उत्तर देखो यहां पे, उत्तर यहां देखो, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों, है ना, पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। ठीक है, पुरानी चिन्हों को क्या कर देता है, भुला देना चाहता है। हेलो हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा अध्याय नागरी लिपि, है ना, यानी गुणाकर मूल्य। इस पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य है। इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो इस पाठ के लेकर गुणाकर मूल्य का जन्म जो है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया है, है ना। और इनका निधन कब हो गया, तो 2009 ईस्वी में हुआ है, है ना, हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, यानी गुणाकर मूल्य जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो अक्षरों की कहानी है, उसके बाद इतिहास और संस्कृति है, उसके बाद प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक है, देन उसके बाद है और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सूर्य मंडल, सूर्य नक्षत्र, है ना, लोग इत्यादि है। दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को नंदी लिपि, नागरिक लिपि को क्या कहते हैं, नंदी लिपि कहते हैं। कहां? दक्षिण भारत में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि को क्या कहते हैं, तो नंदी लिपि कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहां पे कहता है, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी, ठीक है, विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने अपने समय के सिक्के में, अकबर ने अपने समय के सिक्के में राम सीता का चित्र बनवाकर राम सिया लिखवाया था। ठीक है, उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आठवीं नौवीं, ठीक है, आठवीं नौवीं सदी में देवनागरी लिपि प्रेसिस्क, क्या, प्रादेशिक, प्रादेशिक लिपि बनी थी। अगर आपसे कोई पूछे आठवीं नौवीं सदी में देवनागरी लिपि का क्या बना था, तो प्रादेशिक लिपि बनी थी। ठीक है, ओके, ये आपने देख लिया। नागरी लिपि के आरंभिक लेख, है ना, विद्य, है ना, विंध्य, विंध्य पर्वत के नीचे के ढक्कन प्रदेश से मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काट कर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास कि जैन गणितज्ञ महावीर, क्या है, महावीराचार्य, है ना, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, महावीराचार्य क्या था, जैन गणितज्ञ थे, क्या थे, जैन गणितज्ञ थे। तो महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ओके, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण, है ना, श्रवण बेलागोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, देवनागरी दिखाई दे रहे हैं, अब दिखाई देगा ना, है ना, कहता है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, देवनागरी के लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि करीब दो सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, है ना, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ओके, सेकंड है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है,
देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर लिखना कि देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी, है ना, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाएगा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो कहना हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, है ना, ये सब जो है देवनागरी लिपि में आती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी लिपियों का संबंध बताया यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, है ना, नागरी लिपि ब्राही लिपि इत्यादि का संबंध जो है देवनागरी लिपि से बताया है। क्लियर, यह आपने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 4 कहता है नागरी लिपि के आरंभिक, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे, उनके क्या दे, विवरण दे, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य, क्या है, विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलता है, ठीक है, यह आपने देख लिया। पांचवा क्या कहता है, यह कहता है कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, यानी देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। उत्तर मैंने लिखा कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, है ना, कहने या कहने, देखिए नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है, ना कई कारण है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है, है ना, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं, है ना। दूसरा, काशी के पंडितों का मत है, दूसरा पॉइंट कि काशी के पंडितों का मत है, यानी उसका वोट है, ज्यादा संख्या है, कि दूसरा काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है, काशी देवों की भूमि है, और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है, है ना। इसी प्रकार और कई मत देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह आपने समझ लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा है बहादुर, है ना, क्या है बहादुर, बहादुर लोग जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं, अमर से रिलेट कर देना अमरकांत, ठीक है। अब यहां पे देखो पॉइंट है कि इस पाठ के लेखक अमरकांत है और इनका जन्म जो है जुलाई 1925 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी, है ना, डिप्टी कलेक्टरी के पुरस्कार मिला था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला पॉइंट है आपकी प्रमुख रचनाएं, मतलब किनकी रचनाएं, आपकी रचना है, मतलब आपका नहीं, मेरा नहीं रे, अमरकांत जी का, ठीक है। तो अमरकांत जी की प्रमुख रचनाएं क्या थी, तो जिंदगी और जोंक, ठीक है, देश के लोग, मौत का नगर, है ना, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि, ये सब थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उपन्यास इनके कौन कौन थे देख लीजिए, है ना, अमरकांत जी का उपन्यास कौन कौन थे वो देखो, क्या क्या थे, सूखा पत्ती, है ना, आकाश पक्षी, ठीक है, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि, है ना, वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखी है ना, वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखी है, ठीक है, ये आपने देख लिया।
सेकंड, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर ने भैंस को क्या किया था? बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अगर आपसे कोई पूछे कि बहादुर जी का पूरा नाम कौन क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑब्जेक्टिव में आता रहता है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। जिसकी कल्पना कर माने बहादुर को दुगना पीटा था, है ना। माने, माने नहीं, ये अलग है, ये अलग लिखता, मां लिखो, माने, ठीक है। जब बहादुर ने भैंस को खूब पीटा, तो जिसकी कल्पना कर माने क्या किया, बहादुर को दुगुना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर क्या किया, भाग गया। पिटाई खाने के बाद क्या किया, 2 रुपया लेकर घर से भाग गया था। और बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता युद्ध में क्या गए थे, मारे गए थे। बहादुर की उम्र क्या थी, 12 से 13 वर्ष की थी, है ना। मुंह चपटा, रंग गोरा था, हाफ पैंट और हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था, ठीक है। कौन? तो दिल बहादुर। आगे बढ़ते हैं। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी ना बनाने पर, है ना, रोटी ना बनाने पर निर्मला लेखक की पत्नी, निर्मला क्या है, यानी लेखक की पत्नी, निर्मला जो है वो लेखक की पत्नी ने उसे मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का, है ना। किसने लगाया, तो लेखक के रिश्तेदारों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़ कर भाग गया, है ना। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, है ना, क्या था, नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी, है ना। अच्छा, बिजली कटी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे, पहला यहां पे देख सकते हो। क्वेश्चन कहता है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार जब बहादुर ने दिखा, उसका वर्णन आपको करना है। उत्तर है, लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा सा मुंह, हाथ में हाफ पैंट, हाथ में नहीं, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल और लिए हुए खड़ा था, है ना। स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था, है ना। लेखक को क्यों लगता है, अगला क्वेश्चन, वो उसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। उत्तर है, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे। लेखक के बड़े भाइयों के घर पर क्या थे, नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी, है ना, भाभियां महारानी बनकर बैठी रही थी, है ना, यानी महारानी बैठकर वो रहती थी, बैठी रहती थी, है ना। इसलिए लेखक को एक नौकर, है ना, नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, है ना, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकर का आनंद देखा था, इसलिए, है ना। ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर लिखा, बहादुर की मां चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी मां बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने मां की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर मां ने भी बहादुर को बहुत पीटा, समझो कि दुगुना पीटा, है ना। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। कहां चला गया, नेपाल, है ना। चौथा प्रश्न है, बहादुर के
आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? उत्तर मैंने लिखा कि बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को है ना काफी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या कहता है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, यह पूछा जा रहा। उत्तर, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा, है ना, छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी, है ना, लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा, है ना, सिलबट्टा गिरकर टूट गया, तब और ज्यादा डर गया, अंततः लेखक का घर छोड़कर वो भाग गया। ओके, आपने देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे छठा यहां पे देखो, ये क्या कहता है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला, है ना, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला, ये आपको बताना है। उत्तर, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए का खो जाने का प्रपंच रचा, है ना, उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। ठीक है, यह आपने देख लिया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सातवां क्या कहता, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। उत्तर देखो, बहादुर है ना, दो बार लिखा गया, बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है, बेचारा है ना, इस पाठ के लेखक अमरकांत है, इस पाठ के लेखक अमरकांत है, बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन मां के है ना हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया, है ना, लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12-13 वर्ष का एक हसमुख लड़का था, शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा, है ना, और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। बस ये लिख देना है आपको, अगर एग्जाम में आ जाए कि बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आपको लिख देना, बड़ा सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सातवां अध्याय, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा रामे जी के समय से चलते आ रहा है ना। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो इस पाठ के लेखक रामविलास क्या है, शर्मा, इस पाठ के लेखक क्या है, रामविलास शर्मा जी है, और इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, है ना, 12 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। आपको मतलब किन को, रामविलास शर्मा को, ठीक है, तो आपको यानी निराला की साहित्य साधना, है ना, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, है ना, निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। उनका निधन 30 मई 2000 को निधन हुआ, यानी इनकी मृत्यु हो गई। आपकी प्रमुख रचनाएं यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं,
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद्र और उनका युग है, भाषा और है ना समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि है। ठीक है, यह आपने देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों, यह पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दूसरा, भारत की बहुजातीयता, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? उत्तर मैंने लिखा कि लेखक राम विलास शर्मा के अनुसार भारत में, यहां पे देखो, लेखक राम विलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति है ना और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से है ना जुड़ी है, जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीय का बोध होता है ना। नोट में मैंने लिखा कि इस अध्याय के यही दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दोनों मैंने रख दिया। आगे यहां पे देखो, अविन्यो है ना, ये क्या है, ललित रचना है। आसे अविन्यो आसे अशोक, अशोक से अशोक वाजपेयी है ना। तो इस पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। और इनका जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था है ना। कहां पे, मेंदुर्ग है ना, मेंदुर्ग, उसकी मेंदुर्ग में, मेंदुर्ग में छत्तीसगढ़ में हुआ था, मेंदुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास कहां था, मध्य प्रदेश में था। ठीक है, उसकी माता का नाम क्या था, यानी अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था, निर्मला देवी था, और पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, यह आपने देखा, एक एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह फिलहाल इत्यादि है ना। देखिए, आपको आपको यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अशोक वाजपेयी जी को है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2004 में नवाजा गया था है ना। लेखक 10 वर्ष पहले अविन्यो गए थे, यानी अमरकांत जी जो थे, सॉरी अशोक वाजपेयी जी थे, वो 10 वर्ष पहले कहां गए थे, अविन्यो गए थे है ना। अविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे देखो, अविन्यो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अविन्यो कभी क्या, किसकी राजधानी हुआ करती थी, पोप की राजधानी हुआ करती थी। अविन्यो का पूरा नाम क्या था, विल्नौ ला अविन्यो था, विल्नौ ला अविन्यो था। ठीक है, अविन्यो में एक ईसाई मठ ला शत्रुज था, अविन्यो में एक ईसाई मठ ला शत्रुज था है ना। रोन नदी के किनारे बसे दो शहर अविन्यो और विल्नौ था, रोन नदी के किनारे बसे दो शहर अविन्यो और विल्नौ था। ठीक है, लेखक अविन्यो में 19 दिन, यानी अमरकांत जी अविन्यो में 19 दिन रहकर 35 कविताएं लिखी थी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे है, लेखक अपने साथ टाइपराइटर, लेखक जो है यानी अमर लेखक कहने का मतलब, इस कौन सा पाठ था ये है ना, अविन्यो यानी अशोक वाजपेयी है ना, लेखक अपने साथ यानी अशोक वाजपेयी अपने साथ टाइपराइटर, 34 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप गए थे है ना। टेप वो जो होता है बजाने वाला, पहले कैसेट लगता था है ना, गए थे। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था, अविन्यो जो है वो फ्रांस का क्या था, एक प्रमुख केंद्र था। नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लागो की है ना याद आती है ना, यह आपने देख ली है। यानी नदी किनारे लेखक को, लेखक को कौन, मतलब लेखक जो हमारे पास कौन है, अशोक वाजपेयी है ना, अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल का एक कविता याद आता है, नदी चेहरे लगों की है ना। आगे बढ़ते हैं।
लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। लेखक अशोक वाजपेयी जी जो है अपने साथ नदी यानी नदी के साथ अपने को बहता हुआ महसूस करता है। लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं, लेखक जो है नदी की समानता कविता से कर डालते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, अविनो क्या है, अविनो क्या है और वहां वह कहां अवस्थित है, यह पूछा जा रहा है कि अविनो क्या है और वह कहां अवस्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न, है ना। तो यहां पे देखो उत्तर मैंने लिखा कि अविनो, अविनो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। क्या है, एक बसा पुराना शहर है, हर वर पुराना शहर है, ये हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर दो, हर वर्ष अविनो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, यह आपसे पूछा, यानी प्रति वर्ष जो है अविनो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि हर वर्ष अविनो गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है, यह आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन है तीसरा, दिख रहा है ना, ला सतरुज क्या है, ला सतरुज क्या है और वह कहां अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा, ला सतरुज अविनो शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है, है ना। उत्तर है यह हो गया, उत्तर तो मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर चार है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है ना, यानी अशोक वाजपेयी के अनुभव होता है कि हम नदी के साथ, उसके बैठे हुए तट पर वो नदी के साथ बह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं, यह आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। उत्तर मैंने लिखा कि नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं, है ना। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं, जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं, यह आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये मछली है ना, मसे मछली, तो हम सब सुखल मछली खाते हैं, सुखल को रिलेट कर देना शुक्ल से, है ना, यानी विनोद कुमार शुक्ल। तो इस पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, है ना। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना इसका जन्म। आपकी प्रमुख रचनाएं, मतलब विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इत्यादि, ठीक है, यह आपने देख लिया। यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है, यह कहानी यानी मछली कहानी जो है यह कहां से लिया गया, महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। अगला है, आपको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, है ना, आपको क्या, आपको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, है ना। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लाई थी जिसमें एक मरी थी, है ना, घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए, मछली को लेकर बच्चे क्या, कहां घुस गए, गली में घुस गए, संतु मछली को देखकर ही हिचक रहा था, संतु जो है मछली को देखकर क्या कर रहा था, हिचक रहा था, बच्चे एक मछली को कुआं में छोड़ना चाहते थे, बच्चे जो है एक मछली को कहां छोड़ना चाहते थे,
कुआं में छोड़ना चाहते थे। दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि परछाई नहीं बनती है, है ना। कहता है कि दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि यानी परछाई नहीं बनती। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी, माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का नौकर था। भग्गू क्या था? घर का नौकर था। मछली कौन काट रहा था? तो भग्गू काट रहा था। मसाला कौन पीस रहा था? तो माँ पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। पिताजी ने भग्गू से किसका हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था? नरेन का, कि हाथ पैर तोड़ दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? उत्तर मैंने लिखा कि बच्चे मछली के झोले को लेकर पतली गली में घुस गए क्योंकि चौरी गली में काफी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी। दूसरा क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी? हेलो मछलियों को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी? उत्तर मैंने लिखा कि बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे ताकि जब मन हो वहां से मछली निकाल कर खेल सके। ठीक है, यह आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। उत्तर मैंने लिखा कि मछलियां के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उसके साथ खेलने लगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर मैंने लिखा, मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उससे डर था कि मछली काट न ले, है ना। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने उसकी परख कैसे की, है ना। उत्तर मैंने लिखा कि मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में किसी की छवि नहीं दिखती है, किसकी परख करने की, है ना, परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आंखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहती थी। 6वां है, संतु क्यों उदास हो गया? संतु जो है वो क्यों उदास हो गया? उत्तर मैंने लिखा कि मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई, इसलिए संतु उदास हो गया। क्लियर, समझ गए? इस समय कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं, है ना। 7वां क्या है, बस उत्तर देखो किसे लिखा गया है, है ना। 7वां है, घर में मछली कौन खाता था, वह कैसे बनाई जाती थी। उत्तर मैंने लिखा कि घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे, है ना। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था, है ना। 8वां है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और रो रही थी, है ना। 9वां है, अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। उत्तर मैंने लिखा कि अरे कहता हुआ भग्गू संतों के पीछे मछली लेने के लिए भागा। 10वां, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती, स्पष्ट करें।
ये पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता दिखाई पड़ी कि मछली है ना जल से बाहर तरप रही थी और दीदी दीदी घर के अंदर तरप रही थी, ठीक है, यह समानता दिखाई दी। आगे चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत है ना, नौबत खाने में इबादत। तो यहां पे देख लो, इस पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है और इनका जन्म 1970 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, है ना। अब यहां पे देखो, यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है ना, रजा पुरस्कार है ना, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान मिली है, ये सभी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं यतीन्द्र मिश्र को, ठीक है। नौबत खाने का अर्थ है कि प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि है ना। इबादत का अर्थ है उपासना, इबादत का अर्थ क्या है, उपासना, और इबादत का अर्थ होता है उपासना, ठीक है। काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है, काशी क्या कहा जाता है, संस्कृति का केंद्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बिस्मिल्ला खां सहनाई बजाते थे, वह सहनाई के पर्याय भी कहलाते थे, है ना। बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्ला खां का जन्म कहा हुआ था, तो डुमराव बिहार में हुआ था। बिस्मिल्ला खां का जन्म कहा हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बाली जी का मंदिर है ना। बिस्मिल्ला खां, एक मिनट, बोलते बोलते जो है ना कभी कभी दर्द करने लगता है, ठीक है, हाँ मंदिर है। बिस्मिल्ला खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे, है ना। इस पाठ में मुहर्रम त्योहार का जिक्र है ना। बिस्मिल्ला खां सुशीर वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना। बिस्मिल्ला खां कौन सा यंत्र बजाते थे, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। सहनाई नरकट है ना, सहनाई नरकट एक प्रकार का घास से बनाया जाता है। सहनाई यानी नरकट जो है वो किससे बनाया जाता है, एक प्रकार का घास से बनाया जाता है। बिस्मिल्ला खां के परदादा उस्ताव खां हुसैन डुमराव के निवासी थे, ठीक है, यह आपने देख लिया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्ला खां सहनाई है ना, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्ला खां सहनाई नहीं बजाते थे। किस दिन बिस्मिल्ला खां सहनाई नहीं बजाते थे, मुहर्रम के दिन नहीं बजाते थे, ठीक है। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, डुमराव की महत्ता किस कारण से है, डुमराव की महत्व किस कारण से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर मैंने लिखा कि डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे सहनाई बनाई जाती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अधिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं, सहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ना। उत्तर मैंने लिखा, सहनाई को सुशीर वाद्य कहा जाता है और इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अरब देश में सहनाई जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता है। सहनाई को वहां सहने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे सहनाई नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा,
मुहर्रम पर्व से